अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज मेरे पास एक 12 वोल्ट डीसी का फ़ैन है। इसमें मसला ये है कि इसकी ये जो सर्किट है, ये सर्किट जल चुका है और ये जो हमारा सर्किट जला है, ये इसका आप देख सकते हैं, इसका मेन आईसी के मेन पॉइंट ही जल चुका है। तो आज हमने इस सर्किट की जगह पर और सर्किट लगाना है। आज हमने इसमें सीखना ये है कि आपके पास कोई भी इस तरह का सर्किट हो तो वो आपने लगाना किस तरह है। ये जो हमारा सर्किट है, इसके ऊपर तो ये हमारे वोल्टेज वगैरह शो हो रहे हैं। जो अब मेरे पास दूसरा सर्किट है या जो मार्केट से सर्किट मिलता है, जो मेरे पास दूसरा सर्किट है उसके ऊपर कोई लिखाई वगैरह नहीं है। ये हमें मार्केट से मिला है तो इसके ऊपर कोई लिखाई वगैरह नहीं है। तो अब हमने ये किस तरह लगाना है। अगर हम इसको गलत वोल्टेज देंगे तो ये इस की हालत में चले जाएगा, सड़ जाएगा। ठीक है जी, मेरा नाम है मोहम्मद मुदस्सर अली खोखर और आप देख रहे हैं अमी टीवी 9। जिन दोस्तों ने अभी तक अमी टीवी 9 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ बेल के बटन को दबा दें ताकि हर इस तरह की आने वाली वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। तो ये हमारे हैं जी मोटर के, ठीक है जी, ये जो जैक है ये हमारा मोटर का है। और उसके बाद इसमें इसका ये जो जैक है, ये इसका जैक लगाया गया है जी, जो कि रेगुलेट के लिए। इसके ऊपर अगर हम रेगुलेटर लगाएंगे तो वो हमारी जो कि स्पीड है हाई लो करेगा। अगर इसको शॉर्ट कर देंगे तो ये डायरेक्ट जब हम इसको 12 वोल्ट देंगे ये फौरन ही चलना शुरू हो जाएगा। और उसके बाद ये हमारे दो पॉइंट रह गए, ये हमारा पॉजिटिव 12 वोल्टेज और ये हमारा नेगेटिव है, ठीक है जी। और उसके बाद ये हमारा सर्किट है, इसके ऊपर हमें कोई मालूम नहीं है कि हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव वोल्टेज कौन से हैं या कौन से नहीं हैं। तो उसके लिए आपने इसमें ये कैपेसिटर लगाया गया है, ठीक है जी, और इसकी वैल्यू 35 वोल्ट 100 UF, ठीक है जी। तो इसका आपने नेगेटिव और पॉजिटिव देख लेना है। इस हमारे का जो करेक्टिव है कैपेसिटर का जो नेगेटिव और पॉजिटिव है, वो हमारा ये वाला नेगेटिव है और ये वाला हमारा सिल्वर वाला पॉजिटिव है। तो ये हमारा सिल्वर वाला पॉजिटिव इसके पहले पॉइंट के ऊपर लग रहा है और ये जो हमारा नेगेटिव है ये हमारा यहाँ से इसके साथ होकर ये हमारा इसके साथ नेगेटिव बन रहा है, ठीक है जी। तो ये हमारे दो पॉजिटिव और नेगेटिव हमारे लग गए और उसके बाद ये हमारे दो पॉइंट है। तो इनके ऊपर हमने अगर रेगुलेटर लगाना है तो वो लगा सकते हैं। अगर इनको आप शार्ट कर देंगे तो ये आपका डायरेक्ट चलना शुरू हो जाएगा, ये हाई लो नहीं करेगा। और ये जो हमारे मोटर के हैं, तो मोटर के जब भी आपने लगाने हैं तो आपने इसका ये जो ब्लैक और ये ब्लू, इन दोनों के आपने चेंज करना है, ठीक है जी। पहले तो आपने लगा कर देख लेना है, अगर आपका सही चल जाता है, उल्टा चक्कर नहीं होता तो फिर ठीक है। तो ये मैंने इसको लगा दिया और ये हमारा दूसरा जैक है, तो इसको भी हम ये इसे ऐसे ही लगा रहे हैं और ये हमारे सेम बन रहे हैं पॉइंट। ये पॉजिटिव वाला इस तरफ भी, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव और ये हमारे दो रेगुलेटर के लिए, ठीक है जी।
तो अब मैं इसको वोल्टेज देता हूँ और आपको चलाकर हम इसको देखते हैं। और मैंने इसको पावर दे दी है और हमारा जो कि फ़ैन है वो चलना शुरू हो गया है। और ये आप देख सकते हैं ये फुल स्पीड से चल रहा है। और जब भी आपने किसी भी फ़ैन में ये लगानी हो किट तो आप इस तरह लगा सकते हैं। तो आज की थी हमारी ये वाली वीडियो, अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।